नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख लेसन्स फ्रॉम टर्की हाउ टू मेक इंडिया अर्थक्वेक प्रिपेयर्ड पर आधारित है। इसे फहाद जुबेरी साहब ने लिखा है, जो कि आर्किटेक्चर एट सिटी स्टडीज के एक रिसर्चर है। आज का डिस्कशन GS पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं अपना, और देखते हैं कि जुबेरी साहब ने क्या क्या बातें लिखी हुई है। तो जैसा कि आपको विदित होगा कि हाल ही में तुर्की में भूकंप आया था, और इस भूकंप से हुई तबाही हमारे लिए भी चिंताजनक होनी चाहिए। तुर्की में मरने वाले की संख्या लगभग 246,000 के आसपास है। काफी ज्यादा इसमें क्षति हुई थी। 7.8 तीव्रता का यह भूकंप जो तुर्की में आया, इसे 2000 के बाद से दुनिया के सबसे घातक भूकंपों में शामिल किया है। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए बढ़ चढ़कर तुर्की की मदद की। आपने कई सारे आइकॉनिक फोटोज और वीडियोज भी देखे होंगे जो कि वायरल हुए थे, जैसे मेजर बीना तिवारी जी का एक वीडियो जो है वायरल हुआ था, जिसमें एक टर्किश महिला किस करती हुई उनके गालों पे दिखाई दी थी, और NDRF की टीम का उन्होंने कैसे सम्मान किया, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। और तुर्की के लोगों ने भारत के लोगों को और भारत की जो टीम थी उसको बहुत सराहाया, और जहाँ तक उन्होंने कहा अल्लाह के बाद हमारा सहारा भारत ही था। पिछले 3 हफ्तों में हमने मेघालय, उत्तराखंड में जोशीमठ और चमोली के आसपास के क्षेत्र में भूकंप के झटकों को महसूस किया था। आपने ये भी न्यूज़ देखी होगी कि जोशीमठ आपका श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है, ठीक है, कई जगहों पर दरारें आई थी। इसके अलावा जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने हिमालयी राज्य में संभावित बड़े पैमाने पर भूकंप की चेतावनी दी है। एक नीदरलैंड के रिसर्चर हैं फ्रैंक हुगरबीट, इन्होंने तुर्की में भूकंप आने की भविष्यवाणी 3 दिन पहले ही कर दी थी। मतलब 3 फरवरी को उन्होंने ये मतलब अपनी भविष्यवाणी की थी, और उसके बाद 6 फरवरी को ही तुर्की में भूकंप हिट हुआ। अब ये महज संयोग है या फिर कुछ और, ये तो राम ही जाने। उन्होंने फिर से कहा है कि अब भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हिंद महासागर तक भूकंप आएगा। फिलहाल हम तो भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी यह प्रोडक्शन सही ना हो। और लो, प्रोडक्शन के मामले में भूकंप के लिए वैज्ञानिकों में कोई एक मत नहीं है। हाँ, कुछ पशु पक्षी हैं, उनको अंदेशा लग जाता है कि भूकंप या कोई सुनामी जैसी घटनाएं आने लगती है, ठीक है ना। जैसे चींटियों को भी पता चल जाता है, इसलिए आप देखें कि सनातन परंपरा में चींटियों को भी हम लोग आटा डालते हैं। इसके अलावा ये आर्टिकल या एडिटोरियल ये भी बात करता है दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 16 फरवरी को की गई एक टिप्पणी पर। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दिल्ली में भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा पर एक स्थित रिपोर्ट और कार्य योजना दायर करने को भी कहा है। अब ये जो अदालत की चिंताएं हैं और ये प्रासंगिक हैं और तत्काल ध्यान देने की मांग करती है। हम अपने शहरों को भूकंप से बचाने के लिए सिर्फ न्यायपालिका या राज्य के भरोसे नहीं रह सकते हैं। ना ही सीमित क्षमता वाली राज्य सरकार किसी शहर की इमारतों का हफ्तों में ऑडिट कर सकती है कि कौन कौन से क्षेत्र भूकंप से ज़्यादा प्रवण है, भूकंप से ज़्यादा वल्नरेबल है, ज़्यादा मात्रा में प्रभावित हो सकते हैं। इससे जो भारतीय भूभाग है इसका लगभग 58% भूकंप की चपेट में ऑलरेडी है, और इसमें अदालत द्वारा जो उठाई गई चिंताएं हैं उनके बजाय हमको नीतिगत प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। अभी हम समझेंगे कि ये नीतिगत प्रक्रियाएं क्या क्या होगी। वर्तमान में भूकंप की तैयारी पर जो भारत की नीति है वो मुख्य रूप से संरचनात्मक विवरण यानी नेशनल बिल्डिंग कोड के पैमाने पर संचालित होती है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अदूरदर्शी है। अभी हम इसको समझेंगे, इसको वेरी साहब ने अदूरदर्शी क्यों कहा है, लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये नेशनल बिल्डिंग कोड क्या होता है। तो नेशनल बिल्डिंग कोड आसान भाषा में आप समझें कि इमारतों का निर्माण कैसा होना चाहिए कि लोग भूकंप, बाढ़, आग, तूफान आदि से सुरक्षित रहें और घर की गुणवत्ता भी बेहतर हो। नेशनल बिल्डिंग कोड ये सुनिश्चित करने का काम करता है। नेशनल बिल्डिंग कोड को पहली बार 1970 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद 1983, 1987, 1997, 2005 और 2015 में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के साथ जो गाइडलाइन तैयार हुई है वही वर्तमान में मान्य है। अब आइए समझते हैं कि नेशनल बिल्डिंग कोड अप्रासंगिक या अदूरदर्शी क्यों है। सबसे पहली बात यह है दोस्तों, यह उन इमारतों की उपेक्षा करता है जिनका निर्माण 1962 में इस तरह के कोड प्रकाशित होने से पहले किया गया था, और ऐसी जो इमारतें हैं वो हमारे शहरों का एक बड़ा हिस्सा है। दूसरा जो ड्रॉबैक है इसका, यह बाध्यकारी प्रक्रियाओं को केवल दंड और अवैधताओं को अचूक मानकर उन पर निर्भर करता है। दूसरे ड्रॉबैक की अगर हम बात करें, यह भूकंप को अलग अलग इमारतों की समस्या के रूप में देखता है। यानी कहीं पर अगर भूकंप आया, किसी बिल्डिंग को नुकसान हुआ, तो मानता है कि ये उस बिल्डिंग की प्रॉब्लम है। जैसे कि ये इमारतें अपने शहरी संदर्भ से पूर्ण अलग व्यवहार करने वाली अस्तित्व में हो, ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि इमारतें जो होती हैं क्लस्टर यानी गुच्छों में मौजूद होती हैं, और भूकंप आने की स्थिति में एक सिस्टम, एक व्यवस्था की तरह व्यवहार करती हैं। ये आसपास की इमारतों, सड़कों पर गिरकर अन्य इमारतों को नुकसान पहुंचाती हैं तथा निकासी मार्गों को अवरुद्ध कर देती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग जर्जर है, तो अगर गिरेगी तो आसपास की बिल्डिंगों को भी नुकसान पहुंचाएगी,
और जिससे निकासी मार्ग भी अवरुद्ध हो सकते हैं हमारे। इसलिए भूकंप से बचाव की तैयारी में इमारतों के विवरण के साथ साथ शहरों के पैमाने पर भी कार्य करने की हमको आवश्यकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमें इसके बारे में नीति के दायरे में सोचना चाहिए, ना कि केवल कानूनी इन्फोर्समेंट के रूप में। भवन विवरण के पैमाने पर हमें मौजूदा संरचनाओं को फिर से जोड़ने और अधिक दक्षता के साथ भूकंपीय कोड लागू करने की एक प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। ऐसी नीति में दो उपाय शामिल होने चाहिए। दो उपायों में सबसे पहला है हमारा किसी भी भवन को भूकंपीय कोड तक रेट्रोफिट करने के लिए कर आधारित या विकास अधिकार आधारित प्रोत्साहनों की एक प्रणाली बनाई जाए। प्रोत्साहन की ये जो प्रणाली होगी रेट्रोफिटिंग के आसपास उद्योग के विकास को और ज्यादा सशक्त करेगी और अच्छी तरह से प्रशिक्षित पेशेवरों और सक्षम संगठनों का एक निकाय तैयार करेगी, जिससे कि रोजगार के मामले में भी वृद्धि देखी जा सकती है। और दूसरा, समान मॉडल के माध्यम से भूकंपीय कोडों का बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाए। जो सेस्मिक कोड है उनको बेहतर तरीके से इन्फोर्समेंट किया जाए। प्रवर्तन का मतलब इन्फोर्समेंट, ठीक है ना, इन्फोर्समेंट फुल फॉर्म होता है। जो भी आप देखते हैं कि प्रायः विपक्षी पार्टियां मौजूदा सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाती हैं कि सीबीआई ईडी के जरिए हमको डराया जाता है बार बार। अब मैं उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहूंगा कौन सही है कौन गलत है। अगर ढंग से पैसे बरामद हो रहे हैं किसी भी पार्टी के तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए 2014 में राष्ट्रीय रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी भी इमारत गतिविधि के लिए ऋण देने से इनकार करने का बैंकों को निर्देश दिया था। पर्टिकुलरली उन इमारतों को जो भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन के मानकों को पूरा नहीं करती हैं। हालांकि एक कहावत है, कैरेट हाउएवर विल वर्क बेटर देन स्टिक्स। इसका मतलब ये होता है जो गाजर है वो लाठी से बेहतर काम करती है। इसका क्या मतलब हुआ सर? ये फ्रेज है, आप समझिए ऐसे। कैरेट का मतलब होता है इंसेंटिव और स्टिक्स का मतलब होता है पनिशमेंट। तो अगर इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन के जरिए कोई काम सही से हो जा रहा है तो ज्यादा बेहतर है, किसी को पनिश ना करना पड़े। मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों। अब ये एडिटोरियल आगे बताता है कैसे जापान और सैन फ्रांसिस्को ने जो भूकंप से होने वाला नुकसान है उसको कम किया है। तो जापान ने क्या किया है, सबसे पहले आइए उसके बारे में समझते हैं। जापान ने बार बार आने वाले भूकंपों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तकनीकी उपायों में भारी निवेश किया है। कंपन के प्रभाव को कम करने के लिए जो गगनचुंबी इमारतें हैं उनमें काउंटर वे और अन्य हाईटेक प्रावधान किए गए हैं, उनको इन प्रावधानों के साथ बनाया गया है बेसिकली। और जो छोटे घर हैं वो लचीले नींव पर बनाए जाते हैं तथा सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को स्वचालित ट्रिगर्स के साथ एकीकृत किया गया है, इंटीग्रेटेड किया गया है, जो कि भूकंप के दौरान बिजली गैस और पानी की लाइनों को स्वतः ही काट देते हैं। अब सैन फ्रांसिस्को के बारे में अगर बात करें तो यह दुनिया के प्रसिद्ध भूकंप प्रवण यानी वल्नरेबल शहरों में से एक है और यह अप्रैल 1906 में आए एक भूकंप से पूरी तरह से तबाह हो गया था। शहर ने 3000 से अधिक मौतें और संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश देखा था। आपदा के बाद सैन फ्रांसिस्को ने जापान की तरह ही नीतिगत बदलाव लागू किए और जब 1989 में एक अगला बड़ा भूकंप आया तो इस शहर में मात्र 63 लोगों की मौतें हुई थी, यानी तुलनात्मक रूप से देखें तो बहुत ज़्यादा कम थी। हालांकि मौत मौत ही होती है, वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है किसी हाल में, लेकिन फिलहाल अगर आप तुलना के हिसाब से देखें तो संख्या हमको दिखाई देती है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो भागे भूत की लंगूटी ही सही, ये कहावत किरदार होती है यहाँ पर। अब ये जो एडिटोरियल है वो हमारे संदर्भ में आता है और कुछ बातों पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। जो शहरों के पैमाने हैं उनमें ये समस्या अधिक जटिल, विशाल और अप्राप्य है। नवीनतम स्मार्ट सिटीज मिशन जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है को लेकर यानी को समेत किसी भी शहरी नवीकरण कार्यक्रम में भूकंप की तैयारी के लिए शहरी नीति तैयार नहीं की गई है, ठीक है ना। एक शहरी स्तरीय नीति सर्वेक्षण और ऑडिट के साथ शुरू होनी चाहिए जो शहर के उन हिस्सों को दिखाते हुए भूकंप भेद्यता के लिए मानचित्रों को तैयार कर सकती है जो कि गंभीर क्षति के लिए अधिक प्रवण है यानी अधिक वल्नरेबल है, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसमें बेसिकली चार मानदंडों को अपनाया जाना चाहिए। नंबर एक, क्षेत्र में कमजोर संरचनाओं का क्या प्रतिशत है उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि निकासी मार्गों की उपलब्धता और निकटतम खुले मैदान से दूरी। और तीसरा है कि शहरी भवनों का घनत्व कितना होना चाहिए। और नंबर चार है दोस्तों, निकटतम राहत सेवाओं का स्थान और दक्षता, इसके साथ ही सेवाएं प्रभावित स्थलों तक पहुँच सकती है। एक क्विक रिस्पॉन्स सेंटर होना चाहिए, लोग तुरंत वहां तक पहुँच सकें। प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट, प्रोत्साहन और प्रक्रिया केंद्र जैसे खाकों का उपयोग करके शहरी इलाकों को अनुपातिक रूप से वितरित किया जा सकता है। और इसके लिए एक जो प्रमुख उदाहरण है या सबसे अच्छा उदाहरण एक माना जाता है वो है फ्लड जोन मैपिंग, जो कि समय पर निकासी और कुशल कार्यान्वयन के मामले में अब तक सबसे अधिक सफल साबित हुआ है।
भूकंप की तैयारी पर एक नीत के लिए एक दूरदर्शी, क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। फिर भी कुछ घने ऐतिहासिक शहर हैं, उनके जो कुछ क्षेत्र हैं वो अभी भी मरम्मत से बाहर होंगे। ठीक है, अभी DDA का मामला आपने मेहरौली में सुना होगा, वहाँ पर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था, स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दे दिया था, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक इलाका है। ठीक है, अब उन्हें या तो सर्जिकल रेट्रोफिटिंग या फिर संशोधित टाउन प्लानिंग योजनाओं की आवश्यकता होगी हमको ऐसे मामलों के लिए। और हमारे यहाँ एक एटीट्यूड की भी समस्या है दोस्तों, कि भूकंपों को तब तक घातक खतरे के रूप में नहीं देखा जाता है जब तक वास्तव में गंभीर परिणाम न दिखाई दें। 2001 के भुज भूकंप के बाद अगर उदाहरण के लिए हम देखें तो गुजरात सरकार ने तुरंत नई नगर नियोजन योजनाओं को अपनाया, जिसमें सड़कों को चौड़ा किया गया और निकासी तथा राहत कार्यों के लिए मार्ग बनाए। पता चले कि भूकंप आ गया, सारा मार्ग ही और उद्धार, तो फिर आपको हेलीकॉप्टर के अलावा या फिर एयरफोर्स के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। तो अगर मार्ग नहीं अवरुद्ध रहेगा तो कुछ लोगों को हम लोग सड़क के रास्ते से भी बाहर निकाल लाएंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए काम। अब हाल ही में जो तुर्की सरकार है उसने अपनी जिम्मेदारी से इनकार करते हुए असुरक्षित इमारतों के निर्माण के लिए ठेकेदार थे कॉन्ट्रैक्टर, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और अत्यावश्यक बात ये है दोस्तों, यही वही ठेकेदार हैं जो भूकंप आने तक सरकार की निगरानी में निर्माण कार्य कर रहे थे। सरकारों और नीति निर्माताओं को टुकड़ों में तरीके से कार्य करने के बजाय व्यापक रूप से कार्य करना चाहिए, टुकड़े टुकड़े में कार्य नहीं करना चाहिए, एक व्यापक रूप में समन्वित नीति बनाकर उसे सुचारू रूप से लागू करना चाहिए। और भूकंप की तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान के आदान प्रदान के लिए चल रहे अर्बन 20 मीटिंग्स जैसे कार्यक्रम एक उत्कृष्ट अवसर है हमारे लिए। जापानी और अमेरिकी प्रतिनिधि U20 का एक हिस्सा है। जापान के बारे में हमने बात की और सैन फ्रांसिस्को के बारे में हमने बात करी, वो अमेरिका का ही एक शहर है। ये U20 यानी अर्बन 20 का एक हिस्सा है और हमें अपने U20 एजेंडे के में भूकंप की तैयारियों को शामिल करने के लिए उनसे सीखने के लिए इस अवसर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कैसे प्लानिंग की है, क्या क्या सिस्टम अपनाया है, क्या क्या उनकी व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या उनकी नीतियां हैं, उससे हमको सीखने की आवश्यकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों को स्मार्ट सिटी मिशन जैसे शहरी नवीनीकरण कार्यक्रमों में भूकंप की तैयारी नीति को शामिल करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करना चाहिए। किसी भूकंप के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने के बारे में जानने के लिए हम यदि किसी दूसरे भूकंप का इंतजार कर रहे हैं तो एक प्रकार से नासमझेंगे। तो आज का एडिटोरियल यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। आपसे अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आता है तो आप दिए गए पॉइंट्स के आधार पर उनको अपने उत्तर लेखन में शामिल कर सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ।